अलंकार और पलटे बनाना सीखें। इस टॉपिक पर पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूं, जहां मैंने उपज अंग पर बात की है, जहां मैंने अलंकार और पलटों के निर्माण पर बात की है कि क्या फॉर्म्यूला होता है सरगम बनाने का। यहां तक कि इस तरह इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके भी मैंने टॉपिक बनाए हैं जो आप लोगों के सवाल होते हैं बेसिकली। तो आज उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी टॉपिक को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। किसी भी पलटे के अवरोह करने के कई तरीके हो सकते हैं, ऐसा मेरी थोड़ी मैंने क्लास में रिसर्च करी तो मुझे मालूम चला कि कोई भी अलंकार हम बना रहे हैं, कोई पलटा बना रहे हैं, तो उसका जो अवरोह है वो करने के बेसिक तीन तरीके मुझे समझ आए। आज उन तीन तरीकों को मैं एक्सप्लोर करूंगा पूरे वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि अलंकार या पलटा बनाते कैसे हैं और उसका अवरोह अगर बदलना हो तो कैसे किया जा सकता है। जाना तन पे हरी का चोला, 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 तन पे हरी का चोला। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अलंकार या पलटा होता क्या है। वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूँ कि अलंकार यानी आभूषण यानी ऑर्नामेंटेशन, जैसे शरीर के आभूषण होते हैं ऐनक या नथनी या झुमका, ये फीमेल्स के ऑर्नामेंट्स होते हैं हार, मेल्स के भी अलग अलग ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसी तरह से संगीत में भी गाने बजाने को सजाने के लिए यानी सुर को सजाने के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल होते हैं, अलंकार इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कण, गमक, मुरकी, खटका। अब ये क्या होते हैं डिटेल में इन पर अभी बात नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो वो टॉपिक आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एक एक इंडिविजुअल ये चीज़ होती क्या है, खटका, मुरकी, गमक, हरकत, ये सब क्या है, वो सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो वहां आप देख सकते हैं। ये हो गया अलंकार। इन अलंकारों को गले में लाने के लिए या फिर वादन में लाने के लिए यानी सुरों में इन अलंकारों का इस्तेमाल करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं पलटे। पलटे यानी सारे गम प ध नि सा, ये सात सुर हैं, इन्हें ही उलट पलट कर बजाना, यानी सारे ग रे गम गम प म प ध प ध नि ध नि सा, ये हमने क्या किया, इन्हीं सात का क्रम बदल दिया, क्रम बदल दिया तो हमने उल्टा पलटा इन्हें, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है पलटा। अब सारे ग म रे ग म प सा ग रे म सारे ग रे ग सा ग सारे ग रे सारे सा ग सा ग रे, ये हम पलट रहे हैं। और पलटों में खास करके एक पैटर्न का ध्यान रखा जाता है कि सा से लेकर सा तक हमको जाना होगा, यानी मध्य के सा से तार के सा तक हम लोगों को जाना होगा और एक ही पैटर्न में जाना होगा, इसे हम पलटा कहते हैं। जैसे हमने सारे ग म प ध नि सा ये सात सुर लिए, अब अगर हम तीन तीन का पेयर बनाएं हर सुर से तो ये एक पैटर्न बन गया, एक पलटा बन गया, इसको फॉलो करना होगा, यानी सारे ग, अब रे से तीन पैटर्न, रे ग म ग से कॉन्सिक्यूटिवली यानी क्रमशः तीन सुर, ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, इस तरह से हम देखेंगे तो हम एक एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए सा से हम सा तक चले गए, यानी मध्य के सा से तार के सा तक गए, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, है ना। इसको अगर मैं गा के सुनाऊं तो सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, ये मैं सा से सा तक गया, और सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा, ये मैं अवरोह भी आ गया। सेम पैटर्न जो पैटर्न गया था तीन तीन का, उसी से मैं तीन तीन में उल्टा भी लौटा हूं। ख्याल रखने वाली बात यह है कि जिस पैटर्न में गए उसी पैटर्न में रिटर्न आना, आरोह यानी असेंडिंग यानी जाना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, इसे कहते हैं आरोह, और उतरना अवरोह यानी ऊपर वाले सा से सा, यहां से नीचे उतरना सा नि ध प म ग रे सा, तो ये हो गया अवरोह, आरोह और अवरोह। ये पलटे के नियम है कि एक पलटा अगर आपने बनाया है तो एक पैटर्न से आप चल रहे हैं, जैसे मैंने गया तीन 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 गए तो तीन 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 करके ही लौटे। अब जो नया टॉपिक है आप लोगों के सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ, अलंकार पलटे बनाते कैसे हैं वो तो आपको मालूम चल गया कि आपने कोई भी पैटर्न ले लिया, मान लीजिए सारे गम प ध नि सा को आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया। अब मैंने आपको पैटर्न दिया कि 1 4 3 2, तो 1 क्या हो गया सा, 4 क्या हो गया म, 3 क्या हो गया ग, 2 क्या हो गया रे, तो सा म ग रे सा म ग रे 1 4 3 2,
अब 1-4-3-2, 1-4-3-2 आपको हर सुर से ले जाना होगा, यानी 1-4-3-2 सा मा ग रे, 1-4-3-2 रे प मा ग, 1-4-3-2 ग ध प मा, इस तरह से चल रहा है। ये पहली सफेद से बजा के सुना रहा हूँ। 1-4-3-2 कैसे बनाया, 1-4-3-2 क्या है, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है, सारे नीचे ही हैं, है ना, आप कोई से भी सुर से बजा सकते हैं। मैं अभी आपको पहली सफ़ेद से करके दिखा रहा हूँ। तो 1-4-3-2 फिर 1-4-3-2, यानी हर एक सुर से पैटर्न बनाना होता है। सा से बनाया, फिर रे से बनाया, फिर ग से बनाया, फिर म से बनाया, प से बनाया, ध से बनाया, नी से बनाया, जब तक हम सा तक ना पहुँच जाएँ। जैसे 1-4-3-2, अब इसी को वन मानना है, हर एक सुर से पैटर्न बनाना होता है। 1-4-3-2, अब अगर ये वन हो गया तो 1-2-3-4 चौथा सुर ये हो गया, तो रे प म ग 1-4-3-2, फिर घ से बनाया तो ग ध प म 1-4-3-2, फिर म से बनाया 1-4-3-2 म नी ध प 1-4-3-2 प सा नी ध 1-4-3-2 प रे सा नी 1-4-3-2 ध ग नी ग रे सा, ये सा को हम रीच कर लिया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सा से शुरू होता है तो सा पर ही एंड हो पलटा। अब अवरोह जब इसका आता है तब ख्याल रखने वाली बात है कि तीन तरीके हो गए। पहला तरीका तो यह है कि एज इट इज सपाट उतर आओ, यानी स ग रे स रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नी ध प ध स नी ध नी रे स नी सा नी रे सा नी सा ग रे सा सा नी ध प म ग रे सा सा, है ना, सपाट नीचे उतर आ गए, यानी आरोह तो जैसा गए वैसा गए, लेकिन अवरोह हम सीधा सीधा नीचे उतर आ गए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने एज इट इज जिस पैटर्न में गए थे उस ही पैटर्न में रिटर्न आ जाओ, यानी सा ग रे सा रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नी ध प ध सा नी ध नी रे सा नी सा ग रे सा गए थे तो एज इट इज लौट आओ, सा ग रे सा नी रे सा नी ध सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा, एज इट इज रिवर्स ऑर्डर में पढ़ दिया, यानी 1-2-3-4-5-6-7-8 तो 8-7-6-5-4-3-2-1 इस तरह से आ गए। ये पहला, ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका क्या हुआ, सपाट सा रे ध प म ग रे सा, है ना, कोई सा भी अलंकार जैसा, मान लो सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा नी ध प म ग रे सा। इसको मैं पहली काली से अगर बता दूं तो भी आपको आसान पड़े शायद, कि सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, ये पहला, फिर सा नी ध प म ग रे सा, ये पहला तरीका हो गया अवरोह करने का। दूसरा तरीका होता है जो 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 जिस ऑर्डर में गया था उल्टे ऑर्डर में उसे पढ़ दो, यानी सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, तो इसी उल्टे ऑर्डर में पढ़ दो, ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग, कैसे गए थे, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, तो ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग, ये हमने कर दिया। यानी जैसा गए थे उन्हीं सुरों को पढ़ा है, पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला, बस पेयर जो है रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने लग गए। ये दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, इस ही को फ्लिप कर देना है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। यानी जैसे कि अगर मैंने ये हाथ दिखाया तो आपको ये उल्टा दिखेगा हाथ, यानी अंगूठा इधर आ जाएगा। कैसे हो जाएगा ये, सा रे ग रे ग म ग, यानी ये जा रहा था 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3, तो अब ये उल्टा पढ़ा जाएगा, सा को वन मान लिया जाएगा, 1-2-3 सा नी ध, आप देख रहे हैं मैंने पैटर्न बदल दिया है। पहले हम जा रहे थे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा, अब हमने कर दिया सा नी ध, यानी अब सा को 1-2-3-4-5-6-7-8 उल्टा कर दिया है, तो सा नी ध नी ध प ध प म, यानी जा रहे थे 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3, तो अब इसको वन मान के उतरेंगे 1-2-3-1-2-3, है ना, तो सा नी ध नी ध प त प म प म ग म ग रे ग रे सा, ये हो गया तीसरा और आखिरी तरीका। इन तीन तरीकों से आप किसी भी पलटे का अवरोह बना सकते हैं। कोई दूसरा अलंकार ले लेते हैं, जैसे सारे म ग, तो सारे म ग,
है ना, ये लिया सारे म ग। अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्या हो गया 1 2 4 3, तो 1 2 1 2 3 4, तो समझ आ गया आपको 1 2 4 3। अब रे से बनाओ 1 2 4, अब 1 2 3 4, ये चार ऑर्डर में हो गए, तो 1 2 4 3 सा रे म ग, 1 2 4 3 रे ग प म, 1 2 4 3 ग म ध प, 1 2 4 3 म प नि ध, 1 2 4 3 प ध सा नि। अभी और आगे जाएंगे जब तक सा नहीं आ जाता, 1 2 4 3 ध नि रे सा। अब पहला तरीका क्या बताया था, सा नि ध प म ग रे सा, यानी सा रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नि ध प ध सा नि ध नि रे सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा क्या बताया था, एज इट इज जैसे गए थे उसको उल्टे ऑर्डर में पढ़ दो, यानी सा रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नि ध प ध सा नि ध नि रे सा, धनी रे सा प ध सा नि, धनी रे सा प ध सा नि म प नि ध ग म ध प रे म रे ग प म सा रे म ग, है ना। और चाहो तो नीचे तक भी उतर सकते हो, सा रे म ग नि सा ग रे धनी रे सा, ये सा आ गया, है ना। नीचे भी ऑक्टेव होता है, ऊपर भी ऑक्टेव है, जो सेम सुर होते हैं आपको पता ही है। तो ये क्या किया मैंने, उल्टे ऑर्डर में पढ़ दिया। और तीसरा और आखिरी तरीका क्या बताया, फ्लिप कर देने का, यानी सा रे म ग 1 2 4 3, तो अब यहाँ से आखिरी पेयर बना था धनी रे सा, तो अब सा से रिटर्न आ जाएंगे 1 2 4 3, 1 2 4 3 देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 4 3, यानी आखिरी पेयर सा रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नि ध प ध सा नि ध नि रे सा बनने के बाद सा नि प ध नि ध म प ध प ग म प म रे ग म ग सा रे, ये बना है हमारा सा नि प ध नि ध म प ध प ग म प म रे ग म ग सा रे ग रे नि सा, ये सा रीच हो गया, सा से सा रीच होना चाहिए, ठीक है। एक और का एग्जांपल ले लेता हूँ, और इस बार चौथे काले से बता देता हूँ, दूसरे सुर से, ठीक है। पैटर्न हमने लिया अब 1 5 2 3 4, ये एक नया पैटर्न ले लिया, चलो, है ना, 1 5 2 3 4, यानी सा प रे ग म, तो 1 5 रे ध 2 3 4 ग म प, तो पहला बना सा प रे ग म रे ध ग म प ग नि म प ध म सा प ध नि प रे ध नि सा। तो रिटर्न कैसे आ सकते हैं, सा नि ध प म ग रे सा पहला तरीका, और दूसरा तरीका सा सा प रे ग म रे ध ग म प ग नि म प ध म नि म नि म सा प ध नि फिर प रे ध नि सा, ये हो गया। तो पहला तरीका सानी धपम अगर ऐसा था, और दूसरा तरीका क्या है, एज इट इज उल्टा पढ़ दो 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, और 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, और 1 5 2 3 4। ज़रूरी नहीं है कि आप सात तक रीच करें, क्योंकि कई बार सात तक रीच करने में एक प्रॉब्लम आती है कि मंद्र सप्तक और तार सप्तक भी एक्सप्लोर हो जाता है, जो हमारे गाने की रेंज से बाहर होता है। तो कोशिश कीजिए कि जहां तक पलटा आ गया है, देखा जाए तो कायदे से तो पलटा कितना भी ऊंचा और कितना भी नीचे जा सकता है। अगर तीसरे कोई ले लो, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, तो जाते जाओ नि सा रे सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, कहीं तक भी जा सकता है, और नीचे भी कहीं तक उतर सकता है कि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा रे सा नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग, कितना भी उतर सकता है, आपकी वॉइस रेंज पर है। लेकिन हमें ध्यान रखना है जहां तक हमारी रेंज है वहां तक आएंगे, ठीक है। तो ये दो तरीकों से मैंने पलटा कर दिया, अब तीसरे तरीके से पलटे गए इसको, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, 1 5, अब इसको 1 मान लिया, ये है तीसरा और आखिरी तरीका, 1 5 2 3 4, यानी सा म नि ध प, 1 5 2 2 3 4, नि ग ध प म, 1 5 2 3 4, यानी नि ध रे प म ग, 1 5 2 3 4, प सा म ग रे। चाहो तो यहीं पे एंड कर सकते हो क्योंकि सा आ गया है, और चाहो तो 1 5 2 3 4, ये यहाँ भी एंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके ये तीन तरीके हो गए किसी भी पलटे के अवरोह करने के।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने ज़रूर कर दिया गिनती और उसको इंट्रोड्यूस करके, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि अगर पलटा बनाना है तो पलटा बनाने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है। कोई ऐसा नहीं है कि जो पलटे ऑलरेडी बनाकर आपको दे दिए गए हैं यही तय हैं, इसके अलावा पलटे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ी क्रिएटिविटी लगाने की, थोड़ा सा फेरबदल करने की, कुछ भी उलझन बनाइए आप अपना खुद का पलटा बना सकते हैं और ये तीन तरीके लगा के उसका अवरोह भी बना सकते हैं। फिर से दोहरा लीजिए क्या हैं वो तीन तरीके। पहला तो सपाट उतर आओ, है ना, कि सारे गा रे गा म ग प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये उतर आते हैं, सपाट उतर आते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया कि एज इट इज़ उसको पढ़ना है, बस रिवर्स ऑर्डर में, यानी सारे गा रे गा म गा म प म प ध प ध नि ध नि सा प ध नि म प ध ग म प रे ग म सा रे ग, ये हमने रिवर्स ऑर्डर में पढ़ दिया उसको। और तीसरा आखिरी तरीका है कि उसको फ्लिप कर दिया, सारे गा रे गा म गा म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। इस तरीके से आप पलटे बना सकते हैं, खुद के पलटे रचिए। क्रिएटिविटी उपज ही संगीत का या किसी भी कला का अंत है, ये समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि सीखना तो कभी भी बंद नहीं होता, ऑफकोर्स कभी बंद नहीं होगा, महासागर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप एक चीज़ को सीखने जाओगे उसके सिरे तक पहुंचोगे, आपको पता चलेगा इसका सिरा यहाँ नहीं वहाँ है, यानी एक छोर अभी और आगे है, है ना। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, ये मुनीर नियाज़ी साहब का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, है ना, कि जब एक दरिया के पार उतरते हो, एक मुश्किल को क्रॉस करते हो, तो पता चलता है एक और मुश्किल सामने खड़ी है, आइए इसे पार की जाए, और फिर इसे पार करेंगे तो एक और आ जाएगी। तो इसी तरह से संगीत में ज्ञान का है कि आपको जिज्ञासा आएगी तो ज्ञान मिलेगा, जैसे ही ज्ञान मिलेगा जिज्ञासा बढ़ेगी और ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान की ओर बढ़ोगे, तो वो तो अथाह सागर है ही है। लेकिन जहाँ आपके अंदर पैदावार शुरू हो गई, वहाँ हम मान सकते हैं कि सीखने में एक मकाम, एक स्टेज आपने हासिल कर लिया कि अब आप क्रिएट करने लगे हैं, अब आपका दिमाग चल रहा है, अब आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पलटे इस तरह से आप क्रिएट कीजिए, और आलाप ताने भी इसी तरह से आप बनाएंगे रागों में। इट्स ऑल कैलकुलेशन, सारा गणित का खेल है, आपको सुरों की गणित समझनी होगी और राग का चलन समझना होगा। जैसे मान लीजिए बिलावल है, बिलावल में म ग म रे की संगति जो है खास आती है, तो इन्हीं पलटों का इस्तेमाल करके इन पलटों को आप तान बनाइए और म ग म रे उसमें डाल दीजिए, धनी सा ध प ये बिलावल का है ये डाल दीजिए। खैर ये तो हम राग पर और चर्चा कर चुके हैं कई बार, बाकी आप क्लासेस में जुड़ेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर राग का भी मालूम चलेगा और उसमें और कैसे पलटे बनाए जा सकते हैं। बाकी ये तरीका मेरे ख्याल से आपको सहायक होगा, बनाइए खूब सारे पलटे और भेजिए मुझे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ ही रहा है, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही कुछ ना कुछ नया मैं लाता रहूँगा, आप लोग मेहनत करते रहें बस, ये मेरी तमन्ना है। धन्यवाद।